संयुक्त फलन का आखिरी थ्योरी यही है, द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। बोर्ड में वैसे 4-5 साल में एक बार आता है, लेकिन फिर भी छोड़ तो नहीं सकते हैं, इसको देखना तो पड़ेगा। द्विचर संक्रिया क्या होती है? किसी समुच्चय ए में, कोई समुच्चय ए है, में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है, एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर दो अवयवों के लिए, जिसके आधार पर दो अवयवों के लिए एक का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। जैसे ए बिलोंग्स टू ए है और बी भी बिलोंग्स टू ए है, तो ए और बी में कोई, अब हमने संक्रिया लगाई, वो भी ए से ही बिलोंग करना चाहिए। और इस साइन की बात करें तो सभी मानों के लिए, ए और बी के सभी मान ए से बिलोंग करेंगे। ये वाला जो साइन है, ये सभी मानों के लिए, ए और ये संक्रिया का साइन है बी, ए और बी में जो संक्रिया है वो भी ए से बिलोंग करेगी और ए और बी के सभी मानों के लिए। द्विचर संक्रिया सामान्यतः इस स्टार से, स्ट्रिक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्टार से प्रदर्शित की जाती है या दिखाई जाती है। अब इसमें आता है सबसे पहला जो नियम है वो क्रम विनिमेय द्विचर संक्रिया। तो क्रम विनिमेय हमने छोटी क्लासेज में पढ़ाई है। क्रम विनिमेय क्या होता है? मान लो दो में देखें तो गुणनफल का देखें तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो, क्रम विनिमेय का गुणन नियम है। योग वाला नियम लें तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्रम विनिमेय का नियम है। बात वही है, वहां पे गुणन का था, ये प्लस का है, यहाँ पे संक्रिया है तो बीच में संक्रिया लगी होगी। किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विचर संक्रिया क्रम विनिमेय संक्रिया कहलाएगी, बशर्ते ए और ए स्टार लगाएं या स्ट्रिक और बी स्ट्रिक ए, ये दोनों बराबर हों और साथ के साथ ए और बी, दोनों ए और बी के सारे मान एक से ही बिलोंग करें। ये आपका क्रम विनिमेय संक्रिया, जो पहले जो पढ़ा है छोटी क्लासेज में वही है। दूसरा है साहचर्य द्विचर संक्रिया। साहचर्य का नियम भी छोटी क्लासेज में हम पढ़े हैं, ए मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी हो या ए क्रॉस बी इंटू सी हो, सेम बात है, बस आपका ये साइन जो है क्रॉस की बजाय ये स्टार वाला आ गया है। किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विचर संक्रिया साहचर्य संक्रिया कहलाएगी, बशर्ते ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ये ब्रैकेट इधर है, अब संक्रिया में जो ब्रैकेट इन दो दो वालों में आ जाए फिर तीसरे के साथ लग जाए, यदि इन दोनों का मान समान आता है तो वो संक्रिया साहचर्य द्विचर संक्रिया कहलाएगी। तीसरा देखें, द्विचर संक्रिया का तत्समक। तत्समक क्या होता है? किसी समुच्चय ए में यदि अवयव ई विद्यमान हो और ई का संक्रिया ए के साथ करें, चाहे ए का ई के साथ करें और ए ही आए, तो ई को ए में संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। तो तत्समक अवयव क्या हुआ? ई हुआ। चौथा देखें, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? किसी समुच्चय ए में कोई अवयव बी, किसी समुच्चय ए में कोई अवयव बी अवयव का प्रतिलोम अवयव होगा, कब होगा? यदि बी संक्रिया ए और ए संक्रिया बी, चाहे बी संक्रिया ए करें चाहे ए संक्रिया बी करें, लेकिन उसका मान ई आ जाए। यदि ये दो मान सेम थे तो ये क्रम विनिमेय से द्विचर संक्रिया थी, लेकिन ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए का मान यदि ई के बराबर आए तो उसे प्रतिलोम अवयव कहते हैं, और प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स द्वारा भी व्यक्त करते हैं।
ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। यदि ऐसा है, यदि ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो वो उसका व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। एक और थोड़ा सा उदाहरण समझने का प्रयास करें। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक ए जो बिलोंग्स टू आर है, सभी मानों के लिए योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव माइनस ए है, और माइनस ए यदि वास्तविक संख्या है, क्योंकि ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो ये तत्समक होगा। अब जरा संक्रिया सारणी की बात करें। मान लीजिए हमें एस दिया हुआ है, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या इकाई का काल्पनिक घनमूल है। तो इसकी संक्रिया सारणी बनानी हो तो सबसे पहले ये जो क्रॉस का साइन है यहाँ पे लगा दिया, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये पता है हमें कि ओमेगा क्यूब होता है 1 और ओमेगा 4 है मान लो, तो वो होगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा आ जाएगा। मान लो ओमेगा की पावर 5 है तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जरा, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 में ऐसे आएगा तो 1 आ गया। अब इस ओमेगा का मल्टीप्लाई किया 1 में तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया 1 में तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इस लाइन में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा आ गया है, 1 का मल्टीप्लाई किया ओमेगा में तो ओमेगा आ गया, ओमेगा का मल्टीप्लाई किया ओमेगा में तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया ओमेगा में तो ओमेगा क्यू आया, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। अब जरा लास्ट वाले में देखें, 1 का मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा का मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा क्यू आया यानी 1 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा की पावर 4 आया, और ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा होता है। तो ये इसकी संक्रिया सारणी हो गई। बोर्ड में एक नंबर में कभी कभी आ जाता है ये, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। एक और दूसरा देख लें, एस दिया है, उसमें जो 4 अवयव हैं 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है प्लस के बाद 4, तो प्लस के बाद 4 नीचे है। तो कहने का मतलब है 4 वैल्यू यदि आ जाए, 4 वैल्यू आ जाए तो 0 लेना है, और 4 से ऊपर आए तो उतना ही लेना है। देखें जरा, 0 में हमने प्लस किया 0 को तो 0 मिला, 1 में प्लस किया 0 को तो 1 मिला, 2 में प्लस किया 0 को तो 2 मिला, 3 में प्लस किया 0 को तो 3 मिला। अब जरा अगली लाइन में आए, 0 में प्लस किया 1 को तो 1 आ गया, 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया, 2 में प्लस 1 किया तो 3 आया, 3 में प्लस 1 किया तो 4 आया। तो 4 को हमें नहीं लिखना है, 4 जो है उसको 0 लिखना है। 4 आएगा तो 0 लिखना है, मान लो 5 आएगा तो 1 लिखना है, 6 आएगा तो 2 लिखना है। अब अगली लाइन में, 0 में प्लस किया 2 का तो 2 आ गया, 1 प्लस 2 किया तो 3 आया, 2 प्लस 2 आया तो 4 आया, तो 4 को हमें 0 लिखना है। अच्छा, 3 प्लस 2 किया तो 5 आया, तो 5 आया तो ये 4 से एक ज़्यादा आया तो ये 1 आ गया। ऐसे ही 0 प्लस 3 3 आ गया, 1 प्लस 3 4 आया, 4 हम लिखते नहीं है तो 0 आ गया, 2 प्लस 3 5 आया तो वो 1 आ गया, और 3 प्लस 3 6 आया, वो 4 से 2 ज़्यादा है तो 2 ही आ गया। तो ये इसकी संक्रिया सारणी बन गई। इस तरीके से इसकी पूरी थ्योरी खत्म है।